14 जनवरी से शुरू हो रहे कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग की प्रभारी डॉक्टर चैनिका उनियाल पंडा ने एक प्रेस वार्ता की। पंडा ने कहा है कि यात्रा कांग्रेस के राहुल गांधी देश के करोड़ों महिलाओं, गरीबों, वंचितों को न्याय देने के लिए निकाली जा रही है। इस यात्रा का मकसद देश के नागरिकों को उनके क्षेत्र में न्याय दिलाना और जागरूक करना है। ये यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर के इंफाल से शुरू होकर मुंबई तक जाएगी। यात्रा 66 दिनों की होगी। इस दौरान 110 जिलों में राहुल गांधी पहुंचेंगे और लोगों से संवाद भी करेंगे। इस यात्रा की कुल दूरी 6713 किलोमीटर है। पांडा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की मिली सफलता से पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता उत्साहित हैं। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं में काफी उत्साह है। इस यात्रा का मकसद यही है कि पिछले 10 सालों में जो हमारे देश के जो विभिन्न वर्ग हैं उनके साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा हो, जिस तरह से किसानों के साथ में अन्याय हुआ, हमने देखा कि एक साल तक किसान उन काले कानूनों के विरुद्ध जो है बैठे रहे सड़कों पे। करीबन 700 से ऊपर किसानों की मृत्यु हुई। जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा हो, चाहे ब्रजभूषण का मामला हो, चाहे आप बिल्किस बानो में केस में अपराधियों को छोड़ने का मामला हो, और जिस तरीके से अपराध दर बढ़ने का मामला हो, इन सारे मामलों में कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति जो असंवेदनशीलता जो दिखाई देती है केंद्र सरकार की, दूसरी तरफ बेरोजगारी दर बढ़ने की बात हो, पिछले दौरान जो है करीबन 3 गुना 4 गुना जो है बेरोजगारी बढ़ चुकी है। SC ST के साथ में 48% जो है आपराधिक मामले बढ़े हैं, ऐसा खुद NCRB का डाटा कह रहा है। महिलाओं के मामले में NCRB का डाटा यह कह रहा है कि 2022 में हर एक घंटे में जो है 50 से ऊपर FIR दर्ज हो रही हैं। तो ये तो खुद सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं, और सरकार की असंवेदनशीलता इन सारे मामलों को लेकर के, महंगाई हो, चाहे आप अग्निवीर योजना देखिए किस तरीके से उन्होंने सेना के साथ में खिलवाड़ किया, इन सारे वर्गों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ ये न्याय यात्रा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी आप लोगों के माध्यम से आम जनता से ये अपील करती है कि वो आए, एक साथ एकजुट खड़े हों और अपने इन अन्यायों के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाएं और सरकार को मजबूर करें कि उनकी बात सुनें।